हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और पिछले वीडियो में हमने किस तरीके से पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अभी वो पैरामीटर को किस तरीके से असाइन करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कवर 25 mm कोर बीम के लिए है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट में जाता हूँ, बीम्स पैरेलल टू एक्स एंड सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड, और कंट्रोल को प्रेस करके मैं ये दो बीम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये बीम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लियर कवर 25 mm, क्लिक ऑन असाइन एंड क्लिक ऑन यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो क्वेश्चन मार्क यहाँ से रिमूव हो गया है, क्योंकि वो पैरामीटर्स ऑलरेडी असाइन हो चुका है। अभी जो हमें अप्लाई करना है वो है 40 mm, और 40 mm कॉलम के लिए है। सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस, क्लिक ऑन ओके। देन आफ्टर रेशियो जो है वो भी कॉलम के लिए है, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई, असाइन, यस। अभी जो M20 ग्रेड है और ये सब पैरामीटर्स जो है वो सब स्ट्रक्चर में अप्लाई होने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ असाइन टू व्यू, असाइन, यस, FE 500, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, सेकेंडरी 500 रेनफोर्समेंट, यस, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 25 mm पूरे स्ट्रक्चर में, यस, और सेकेंडरी मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 12 mm, यस। यहाँ पर इस तरीके से हमने सभी पैरामीटर्स को असाइन कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो है वो हमें कॉलम डिफाइन मतलब कमांड डिफाइन करना है, और उसके बाद कितने मेंबर्स पास होते हैं, कितने मेंबर्स फेल होते हैं उसके बारे में भी हमें चेक करना है, और चेक करने के बाद उसके बारे में भी हमें यूज़ करना है। वी विल डिफाइन द कमांड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द पासिंग द members, and we will check how many members are passed and how many members will be failed.